हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने हैं बेटा आपकी कारप पत्रिका थर्टी फोर के बारे में विज्ञान कक्षा छः की आज की तिथि क्या है ग्यारह सोलह ग्यारह दो हज़ार इक्कीस ठीक है यहाँ पर आपको अपना नेम यहाँ अपनी टीचर का नेम लिखना है इस कार पत्रिका को चालू करने से पहले कुछ दो लास्ट वीक के विनर का अनाउंसमेंट हमने कर दिया है अगर आप भी कॉन्टेस्ट में पार्टिसपेट करना चाहते हो विन करना चाहते हो बहुत सारे प्राइजेस को तो वीडियो को कर लो बेटा लाइक चैनल को कर लो सब्सक्राइब फुल वीडियो को वॉच करते हुए कमेंट जरूर करना साथ ही साथ इसके लिंक को जो है अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करना राइटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट में बताइएगा हम आपको लिंक देंगे जहाँ से आप ज्वाइन हो जाएंगे चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है इसमें दिया गया है प्रकाश छाया एवं परिवर्तन प्रकाश सदैव सीधी रेखा में आगमन करता है इसके लिए क्रियाकलाप देखिए करवाया गया है क्रियाकलाप क्या है एक पाइप का टुकड़ा ले लीजिए या एक लंबी रबड़ की नली ले लीजिए अब आप चार्ट पेपर या कार्डबोर्ड पाइप बना सकते हैं ठीक है इसके बाद क्या है मोमबत्ती को जलाइए एक मेज पर रख लीजिए अब मोमबत्ती को सीधी पाइप से देखिए मोमबत्ती को पहले आपको कैसे देखना है बेटा इस तरीके से सीधे पाइप से देखना है फिर मोमबत्ती को क्या है मोड़ कर क्या है पाइप को देखना है ठीक है अब चलिए देखिए नीचे कुछ आपको क्या है प्रश्न पूछे गए हैं देखो प्रश्न क्या है आपको कि क्या सीधी पाइप से मोमबत्ती दिखाई दी तो हाँ इसका उत्तर क्या हो जाएगा हाँ दिखाई दी क्या आपको मुड़े हुए पाइप से मोमबत्ती दिखाई दी तो नहीं ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा नहीं हो जाएगा तो इससे हमें देखो निष्कर्ष में आप क्या लिख सकते हो कि इससे हमें यह पता चलता है चलता है कि ठीक है यह पता चलता है कि की, प्रकाश की प्रकाश ठीक है कि प्रकाश सदैव एक सीधी रेखा में आगमन करता है उसके आगे लिख देना ठीक है आगे चलो देखते हैं क्या दिया गया है आगे देखो दिया गया पिनहोल ठीक है कैमरा कैसे बनाए तो देखो इसमें बोला गया है कार कार्डबोर्ड बॉक्स का एक सिरा काट लीजिए और एक किनारे पर क्या है ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए आप क्या करिए एक सिरा काट कर का किनारे पर ट्रेसिंग पेपर लगा दीजिए और बॉक्स के दूसरे किनारे के बीच में क्या कर दीजिए एक छेद कर दीजिए ठीक है यहाँ पर ट्रेसिंग पेपर लगा दो और इस जगह पे छेद कर दो ठीक है इसके बाद आपको क्या करना है अब छेद वाले भाग किसी चमकदार वस्तु जैसे मोमबत्ती की लौ या पेड़ की ओर रख दो ठीक है किसी मोमबत्ती की लॉ या पेड़ की ओर उसे रख दो ठीक है अब ट्रेसिंग पेपर के पर्दे पर जो है वस्तु कैसी आपको दिखेगी उल्टी दिखेगी और प्रतिबिंब दिखाई देगा उसका उल्टा प्रतिबिंब क्या है दिखाई देगा आगे देखो पिनहोल कैमरा के संबंधित जानकारी पिनहोल कैमरा का प्रतिबिंब कैसा होता है हमेशा उल्टा बनता है इस ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश प्रकाशदेव क्या है सीधी रेखा में क्या करता है आगमन करता है इस कारण से वस्तु के ऊपर आने वाला जो प्रकाश है वो रेखा और वस्तु के नीचे आने वाले प्रकाश की रेखा एक दूसरे से क्या है पिनहोल में काटती हैं जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा है प्रतिबिंब बहुत साफ नहीं होता है क्योंकि कम प्रकाश पिनहोल के से अंदर आता है प्रतिबिंब क्या ज़्यादा साफ़ नहीं होगा क्योंकि कम प्रकाश जो है इसके अंदर आ रहा है और प्रतिबिंब जो है रंगीन होता है क्योंकि प्रतिबिंब और छाया में बहुत बड़ा अंतर है चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है पिनहोल कैमरा में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है सही और गलत में देखिए क्या है छाया काले रंग की होती है तो ये क्या हो जाएगा बेटा ये वाला उत्तर हो जाएगा सही छाया जहाँ छाया बनती है वहाँ प्रकाश नहीं पहुँचता है तो ये भी उत्तर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा तो आगे आपकी कार पत्रिका यही होती है समाप्त आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट कर बताना वीडियो लाइक करना चैनल सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टेस्ट में पार्टिसपेट करना धन्यवाद प्यारे बच्चों